और वहीं पर ये भी एक हकीक़त है कि हम अभी इंतज़ार में थे कि रमज़ान शुरू होगा रमज़ान का पहला अशर चला गया रमजान का दूसरा अशर भी ख़त्म होने को है कल से इक्कीसवीं रात शुरू हो जाएगी आखिरी अशरा रमज़ान का शुरू हो जाएगा महदरी आखिरी अशरे की आमद पर मैं सबसे पहले आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि इतनी मुबारक आपको नसीब होने वाली हैं कि जिन में एक रात ऐसी है कि जिस किसी को एक रात की इबादत नसीब हो जाए उसके लिए हज़ार महीनों से कहीं ज़्यादा अफजल व एक रात की इबादत है अल्लाह की तकदीर है हमारी बदनसीबी हमारे आमाल का बुरे आमाल का नतीजा कि अल्लाह के घर बंद हैं अल्लाह के घर जाने के रास्ते बंद हैं नमाज़ें घरों पे हो रही हैं लेकिन जैसे कहा जाता है कि अल्हम्दुलिल्लाह ला आला कल हाल हर हाल में अल्लाह की तारीफ़ है अल्लाह का एहसान अल्लाह का शुक्र है तो हम अल्लाह के शक्र गुज़ार हैं कि अगरचे अल्लाह के घर के दरवाज़े बंद हैं लेकिन अल्लाह त अपनी इबादत के दरवाज़े अभी बंद नहीं किए हैं तौबा के दरवाज़े अल्लाह ने भी बंद नहीं किए हैं अभी कल रात से आखिरी अशरा शुरू होने वाला है आखिरी दस मुबारक रातें आने वाली हैं जिन रातों में अल्लाह ने एक बड़ी अजीम रात रखी है उस रात की तलाश में आप लग जाएं नबी करीम तो वसलाम की सुन्नत की पैरवी करें नबी करीम सलात की इबादतें ऐसी होती हैं कि अल्लाह के नबी की इबादतों से लंबे क़्याम से आपके पैर सूझ जाया करते थे लेकिन महदुलमिन कहती हैं कि अल्लाह के नबी आ वसलाम की आखिरी अशरे में जो मेहनत होती इबादतों और रिजत में जो आप मेहनत करते वो आम दिनों के मुकाबले बहुत ज्यादा होती जैसे आखिरी अशरा आता हदीफ में आता है अल्लाह के नबी अपनी कमर बांध लेते कमर कस लेते और रात को आबाद कर देते अपने घरवालों को भी जगाते तो मजरीन अब वो अशरा आने वाला है जो रातों को आबाद करने वाला अशरा है जिसमें आपको अपनी रातों को आबाद करना है अपनी रातों को आबाद करें इबादतों के जरिए तिलावतों के जरिए नमाजों के जरिए दुआओं के जरिए इस्तफार के जरिए खाने पीने में सोशल मीडिया में या इसको फोन किया उसको फोन किया फोनों के जरिए अपनी इन रातों को जय ना करें बड़ी आते हैं बड़ी मुबारक घड़ियां हैं जो अल्लाह ताला हमें नसीब करने वाला है अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इस आदतें हमें नसीब फरमाए क्योंकि नहीं पता कि आज जो जिंदा है कल उसका क्या हाल होगा तो मजा साजरीन आप लोगों से गुजारिश है कि इस इन अशर अखीरा की रातों को इबादतों में गुजारें नबी करीम तो सलाम तो एतिकाफ में बैठ जाया करते पूरी दुनिया से अपने घर बार से पूरे इंसानों से कट करके अपने रब के हो जाया करते थे अगरच आज वो मौका नसीब नहीं है हम एतिकाफ तो नहीं कर सकते मस्जिदें बंद हैं तो कम अज़ कम अपने घरों में इसका अहतमाम करें कि वो वक्त रात का वक्त ख़ास तौर पर आप इबादतों में लगाएँ अपने मसले पर बैठ जाएँ घर पर कोई ख़ास जगह है इबादत की तो वहाँ पर आप चले जाएँ या फिर घर में कुछ माहौल ऐसा बनाएं कि घर के जितने अफराद हैं हर कोई एक एक कोना पकड़ ले अल्लाह की इबादतों में जिक्र अजगार में तिलावत में लग जाए इसका अहतमाम करें और इसका माहौल पैदा करें खुद भी अपनी बीवियों को भी अपने बच्चों को भी इसकी तरगीब दिलाएं अल्लाह के नबी असलात के तल्ल से आता है आई लहू अल्लाह के अपने घर वालों को जगाते अपनी बीवियों को जगाएं अपने बच्चों को जगाएं वो इबादत करें मुकम्मल इतिकाफ तो नहीं कर सकते आजकल मस्जिदें बंद हैं तो कम अज कम रात का एक बड़ा हिस्सा इबादत में गुजारें और ख़ास तौर पर मैं कहूँगा कि आप रात का आखिरी हिस्सा जो तकरीबन एक डेढ़ के आसपास शुरू होता है लास्ट वन थर्ड जिसमें अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर उतर आते हैं बंदों से पूछते हैं कि कुछ मांगना हो तो मांग लो माफियां तलब कर लो ज़रूरतें रख लो सब मैं पूरा करूँगा तो इस वक्त ख़ास तौर पर इबादत करें ख़ास तौर पर उस वक्त इबादत करें उम्मत के हक़ में अपने हक़ में वालदेन के हक़ में घर बार के हक़ में दुआएँ करें और जितना हो सके इस वक्त को अल्लाह की इबादत में गुजारें और जो हाफिज़ हैं वो लंबा क़ियाम करें जो गैर हाफिज़ हैं वो कुरान देख करके पढ़ें कुरान देख करके लंबी तिलावत करें एक सफ़ा पढ़ें दो सफ़े पढ़ें पाओ पारा पढ़ें आधा पारा पढ़ें जिसको अल्लाह ने जितनी हिम्मत दिए उतना आगे बढ़ के पढ़ता जाए दो दो रकात करके आप नमाज पढ़ते जाएं, सुन्नत नबी ग्यारह या तेरह रक़त से आगे ना बढ़ें इसी की कैफियत को बेहतर बनाएं जितना लंबा कीरात करें उतनी लंब, उतने लंबे रुकू करें उतने लंबे सजदे करें और सजदों में खास तौर पर दुआएं अल्लाह से मांगें सजदों की दुआएं अल्लाह यकीनन कबूल करते हैं सजदों की दुआएं ज़्यादा हक़ रखती हैं कि कबूल हों आम तौर पर लोगों में कुनूत की दुआओं का बड़ा रिवाज है अब तो वो दुआएं भी नहीं हैं मस्जिदें बंद हैं जबकि कुनूत की दुआओं के मुकाबले सजदों की दुआएं ज़्यादा अहम हैं सजदे की हालत में आप अल्लाह से दुआ करें अपनी नमाज के तरावीह नमाज जो आप घर पे पढ़ते हैं दो रकात पढ़ो चार रकात पढ़ें आप छः रकात पढ़ें आठ रकात पढ़ें दस पढ़ें जितने आप पढ़ें सजदों में अल्लाह ताला से दुआएं मांगें अल्लाह ताला दुआएं ज़रूर कबूल करेंगे तो इस आखिरी अशरे को ज़्यादा से ज़्यादा आप अल्लाह की इतात में इबादत में तिलावत में ज़िक्र में दुआ में गुजारने की कोशिश करें और लंबे क़ियाम में गुजारने की कोशिश करें रात को आबाद करें रात को ज़िंदा करें रात में मेहनत करें खुद भी जाके घर वालों को भी जगाएँ जाग करके इबादत करें जाग कर अपने वक्त को ज़ाय ना करें इसका ख़ास तौर पर ख्याल करें बेहतरीन अशरा नसीब होने वाला है <स्थ> बेहतरीन रातें हमें मिलने वाली हैं अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इन अजीम रातों का हमें हकदार बनाए हमें नसीब फरमाए इबादतों की तौफीक नसीब फ़रमाए और अल्लाह ताला हमारी की हुई इबादतों को कबूल फ़रमाए रोज़ों को क़ियाम को नेकियों को अल्लाह कबूल फ़रमाए आमीन वसल् अला नबीना व सलाम अलैकुम व वसलम व बरकातहू